आप सोच रहे हो हम तो पुण्य कमाएंगे हम, हम तो आई ऑफिसर बनेंगे हम तो जज बनेंगे हम तो ये करेंगे हम तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाएंगे दुबई जाएंगे यूरोप जाएंगे भैया सब यही रह जाएगा कब समझ में आएगा सब यही रह जाएगा क्योंकि उनको पता है कि भक्ति जो होती है ना भक्ति को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बाहरी आवरण की जरूरत नहीं है हम मन में अच्छे विचार शुद्ध विचार भगवान का प्रेम उस सबसे उसको सजाते हैं और फिर हमारे राधा रमन लाल राधा रानी के साथ पधारते हैं और फिर वो कहीं नहीं जाते अब यहाँ पे आते हैं ना तो राधा रमन जी के पास से जाने का मन नहीं करता तो वो क्या करते हैं कि जब उनको अपने से कहीं हटाना होता है ना तो उस इंसान को लोगों को दिखाने लग जाते हैं माँ में जो प्रेम है उसका कोटि कोटि गुना प्रेम श्री कृष्ण में है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा श्री राधा रमन जी की गलियों में आज हमें एक ऐसी भक्त मिली जिन्होंने हमें भाव विभोर कर दिया इनका भाव क्या है ये कहाँ से आई हैं कौन है आइए इनसे मिलते हैं और आपको भी इनसे एक छोटी सी मुलाकात कराते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा आपका शुभ नाम आ, मेरा नाम वैसे तो निशा है पर मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने नित्य मंजरी रखा है अपना नाम खुद से आपने स्वयं रखा है स्वयं रखा है बिल्कुल अच्छा। नित्य मंजरी का अर्थ क्या हुआ नित्य मंजरी नित्य एक तो राधा रानी का नाम है और नित्य मंजरी जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपका घर है आपसे आप जैसे हम लोग मिल गए ठीक है तो आ, मैंने बोला कि मैं आपके घर आ सकती हूँ आपने बोला अभी तो एक ही मुलाकात हुई है तो चलो बाहर मिल लेते हैं ठीक है तो हम रेस्टोरेंट में मिलिए उसके बाद हमारी और पहचान बढ़ी फिर आप कहोगे जी घर भी आइए <laughs> तो मैं घर भी आ जाऊँगी आपके ठीक है फिर उसके बाद घर में भी बहुत अलग अलग कमरे होते हैं हाँ। बेडरूम भी है किचन भी है तो जो मेहमान होता है वो ड्राइंग रूम में बैठता है तो ऐसी जो बड़ी दूसरी सखियाँ होती हैं वो बाहर की तरफ रहती हैं बाहर के परिकर में उसके बाद फिर अंदर आओ ठीक है फिर हमारी और घनिष्ठता हुई ठीक है तो आपने अपने परिवार वालों से भी मिलाया कि भैया अंदर आओ ठीक है वो परिवार वाले अंदर हो गए राधा रानी और गिरधर गोपाल ठीक है और वो सखियाँ हो गई हमारी अष्ट सखियाँ तो उन्होंने आगे मिलवाया ठीक है अब बेडरूम के अंदर तो यार आप और आपके अपने अपने लोग जा सकते हैं बाहर का कोई नहीं जा सकता ठीक है तो अब उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम अंदर सेवा करो तो नित्य मंजरी मैंने श्री विनोद बाबा से सुना है तो उन्होंने कहा कि नित्य मंजरी साधु संत ही बनते हैं और नित्य मंजरी ही राधा रानी और गिरधर के साथ 24 घंटे रहती है उनके साथ उनके निकुंज में जो बिल्कुल सबसे अंदर है गुप्त है और कोई नहीं रहता ललिता सखी भी चली जाती है तुम भद्रा जी सब चली जाती हैं अपने अपने उसमें निकुंज में उनके सबके महल हैं अलग अलग है ना सिर्फ नित्य मंजरी इसलिए उनका नाम नित्य मंजरी है कि नित्य वो उनके साथ रहती है अच्छा, अब वो सो रहे होते हैं तो उनका झुमका फंस गया उनके बालों में घुंघराले बाल है ना उनके तो हा वो खींच भी देते हैं जान के तो नित्य वो करती है कि वो झुमका हटा दिया है ना वो सोती नहीं है अच्छा हाँ वो पूरी रात ऐसे देखती रहती है कि दोनों सो रहे हैं हवा करती रहेंगी देखेंगे कि चादर तो नहीं उघाड़ी हो गई ठंड तो नहीं लग रही देखेंगे पास जाके कि मतलब सही है ना सब कुछ ठीक है अच्छे से सो रहे हैं है, है ना? ना, ना किसी की बाजू फंस गई तो वो बाजू निकल वाली उनका काम है ये अच्छा, वो उसी में ही सुखी रहती है अच्छा, और उसके बाद धीरे धीरे और राधा रानी की तो कृपा आपको मैं क्या ही बताऊं और राधा रानी सोती हुई फिर भी जागरी होती है क्योंकि वो उनकी सखी है ठीक है तो उनसे वो बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण जी से भी ज्यादा प्रेम करती हैं है किनसे जो सखी होती है नित्य मंजरी जो होती है उनसे शी जी ज़्यादा प्यार करती हैं बहुत प्यार अब क्या होता है कि जो सखी होती है सभी को पता है ये जो सखी होती हैं अष्ट सखी जो अगर उनका एक राधा रानी का एक दुख है ना तो उनको हजार गुना दुख होगा थाउजेंड मल्टीप्लाई करके राधा रानी थोड़ी सी प्रसन्न हुई है तो उनको आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इतनी प्रसन्न हो जाएंगी सखियां और राधा रानी के साथ भी ऐसा है राधा रानी को जितना हंड्रेड परसेंट प्रेम मिल रहा है ना कृष्ण जी से तो वो हज़ार गुना प्रेम कृष्ण जी को अपनी सखी को करवाती हैं हाँ वो ऐसी है तो नित्य मंजरी इसलिए मैंने रख लिया कि कोई रखे ना रखे मुझे तो नहीं पता और मैं बनूंगी नहीं पता पर कम से कम रख कर थोड़ा बहुत मतलब एक भाव को अंदर सजोने की कोशिश होती है बस इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग नित्या के नाम से जानते हैं तो आप मुझे अच्छा, नित्या ही कहिए अच्छा तो नित्या जी आ, आपको भी राधा रमन जी के पास देखा हमने और आ, सबसे पहली चीज़ तो आपने वही पोशाक पहनी है जो राधा रमन जी ने पहनी थी तो ये कुछ लीला है कुछ मतलब कोइंसिडेंस है क्या है ये कोइंसिडेंस uh, तो मुझे नहीं पता कि है या नहीं है बट ऐसा होता है मतलब ऐसा अक्सर होता है अक्सर होता है क्योंकि मैं थोड़ा लड़कियां होती है ना कि क्या कपड़े डाले क्या कपड़े डाले अभी जी. मैं उस हूँ मैं अभी आगे बढ़ी नहीं हूँ <laughs> अभी दुनिया की मोह माया में हूँ मैं जी. तो मैं सारे कपड़े निकाल के रखती हूँ आज क्या पहन के जाऊँ कई बार पहन लेती हूँ फिर लगता है कि नहीं 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 ये उतार देती हूँ दूसरा पहन लेती हूँ मैं ये नहीं सोचती कि मोटू ने क्या पहना होगा आज ये कौन है राधा रमन जी वो है नहीं तो जब ऐसा की होती है। कैसा, कैसा फील होता है जो देखते हैं और... फील होता है मतलब उसको मैं थोड़ा अभिमान में कन्वर्ट नहीं होने देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना तेज है हल्का सा भी लग गया ना कि बहुत घमंड कर रही है और बहुत खुश हो गई

तो मैं यही सोच रही थी और आप गा रही थी उनके लिए इतनी सुंदरता से तो मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि ये कौन सी भक्त है जो बिल्कुल उनके जैसी लगके, उनके जैसी लग के सम्मुख इतने प्रेम से गा रही है। आपने बीच में अभी, अभी अभिमान की बात की तो ये अभिमान क्या है भक्त को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे आता है अगर आ जाए तो इसका क्या दुष्परिणाम है कुछ थोड़ा सा बताइए अभिमान हाँ अभिमान नहीं आना चाहिए क्योंकि अब आप लोग आपकी तारीफ करेंगे अरे आप तो बहुत अच्छा भजन गाते हो ठीक है आपका भाव अच्छा है आपको अच्छा लगा बहुत अच्छी बात है है ना लेकिन मैं कैसे कह कैस सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ है ना वो तो कोई धरती पे ऐसा है ही नहीं कि जो अच्छा गाता हो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो बहुत सुंदर हो जो हम अभिमान करते हैं हम तो बहुत टैलेंटेड है हम तो बहुत अच्छा गाते हैं हम तो बस दुनिया से अलग ही है ना वो सब कुछ श्री कृष्ण और श्री राधा का ही है अब झूठन लगा लो उसको तो आप ये सोचो कि वो क्या होंगे तो ये अभिमान ना हमें दूर कर देता है उन्हें बच्चों जैसा मन चाहिए जैसे आपका है उन्हें बच्चों जैसा मन चाहिए जो मन में हो धड़ल से बोलो आप जीन्स पहनते हो तो आप जीन्स पहन के जाओ किसने मना किया है आप वहाँ पे पूरा बदल कर जा रहे हो अपने आवरण को बिल्कुल ही बदल कर जा रहे हो शौक के तौर पे अच्छा भक्ति क्या है और लालजू किसे मिल सकते हैं भक्ति तो मुझे नहीं पता देखो ध्यान से सुन लो मुझे प्रेम पता है अच्छा प्रेम 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 क्या क्या है है से मिलते हैं वो प्रेम क्या होता है कि प्रेम आपको ना एकांत की तरफ ले जाता है अच्छा जो जैसे आपको किसी से प्यार हो गया ठीक है तो अब थोड़ा होता है ना छुप छुप के बात करना फोन पे मम्मी पापा बात नहीं करने देते तो आप छुप के जाओगे कॉर्नर में ऐसा कॉर्नर ढूंढोगे जहाँ घर वाले दूर दूर तक ना आए कोई ना हो आपको एकांत चाहिए एकांत का मतलब ये है कि एक का भी अंत एक का भी अंत दिस इज नॉट वींस की आई लव ओन कंपनी आई यूज टू लव माई ओन कंपनी बट नहीं अब ठीक <laughs> है एकांत का मतलब कि उसमें आप भी ना रहो अच्छा। तो जब आप ऐसे हो जाते हो ना आपको सिर्फ वही दिखे नहीं। नहीं। आपको उनसे मिलने की तड़प हो नहीं। नहीं। आप ऐसे हो जाओ कि मतलब मुझे ऐसा समझ में आया जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं मैं अगर उनको कंपेयर करती हूँ आज का कि पहले भी कभी प्यार हुआ है और जो अब प्यार हुआ है ना अब पता लगता है अब महसूस होता है पहले जैसा ही पेन होता है पर उससे ज़्यादा पेन होता है वो किसी इंसान के लिए हुआ होगा लेकिन आज वो राधा रमन के लिए हुआ है तो वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना कि वो आपको महसूस करवा देंगे कि वो आपके पास है कोई है अब वो तो मैं नहीं मतलब बता सकती मेरे साथ तो बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं बता ना मुझे फिर वो दोबारा ऐसा कुछ होता ही नहीं है आप आप कपड़ों का लगा लो कपड़े आगी। ट्यूनिंग आगी। हो जाती है ना मैं आपको अभिमान की बात बताती हूँ मेरे साथ हुआ ठीक है अच्छा। राधा रमन जी में मंजीरा सेवा करती थी ठीक हाँ। है हाँ। बड़ा ऐसा हो गया कि मेरे जैसे तो मंजीरे कोई नहीं बजाता मैं मंजीरे बजाई जाऊँ बजाई जाऊँ बजाई जाऊँ इस कौन से इस कौन से कीर्तनाज आए आप जानते होंगे उनको जिनका बैंड है ऑल अर फॉरनर्स ऑल आर डिवोटीज बट देव अ बैंड तो राधा रमन जी में आए वो अब देखो राधा रमन जी मेरे हैं तो मंदिर भी मेरा है वो जगह भी मेरी है वो लोग भी मेरे हैं ठीक है <laughs> तो मैं वहां पे बैठी हुई और मैं मंजीरे में जा रही हूँ तो उन्होंने क्या किया वो आते ही ना उन्होंने कहा जरा उधर हो जाइए और बड़ी अजीब तरीके से बोला yeah. उनकी गलती नहीं है उनको लगा होगा कि जगह नहीं है मृदंग भी रखना है बहुत सारा सामान रखना है बाहर की होंगी ये yeah. तो थोड़ा उधर हो जाओ तो मैं थोड़ा उधर हो गई उसके बाद जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैंने मंजीरे बजाने शुरू किया मंजीरे बजाने क्योंकि वो तो मेरे हैं मैं दादा जी को देखूँ वाह मतलब मुझे हो रहा था कहीं ना कहीं अनजानी वे में मुझे नहीं पता लग रहा था कि वो मुझे अभिमान हो रहा है बट वो जो हुआ ना उससे पता लगा कि वो अभिमान था मैं बजा रही थी और बीच में उन्हीं में से ही किसी ने मंजीरे भी ले लिए मेरे अच्छा कि आप हमें मंजीरे दीजिए और उन्होंने किसी और लड़की को दे दिए मेरे हाथ से लेकर और मैं में... उस टाइम ऐसी हो गई ना कि क्या हो गया है गुस्सा आया उस समय गुस्सा नहीं आया मेरा बुरा हाल हो गया वहाँ पे रो रो के जब छोटे बच्चों से कोई चीज़ खींच लेते हैं ना और किसी और को तो मेरे साथ वैसे हुआ लेकिन उन्होंने बहुत अन्... और रोता रोते हो ना जब आप तो आपका मन साफ होता है जितना रोगे जितना रोगे और वो भी भगवान के लिए जब रोगे तो आपका मन बिल्कुल साफ हो जाएगा और जब साफ हो जाएगा क्लीन हो जाएगा जब घर में कोई गेस्ट आता है तो क्लीन बेडशीट बिछाते हो घर साफ करते हो है ना सब अच्छे अच्छे चीजें अच्छे फ्लावर्स लेकर आओगे मिठाइयाँ लेकर आओगे और फिर उनको पधराओगे अंदर आप ऐसे ही जो हमारा मन बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना तो हम मन में अच्छे विचार शुद्ध विचार भगवान का प्रेम उस सब से उसको सजाते हैं और फिर हमारे राधा रमन लाल राधा रानी के साथ पधारते हैं और फिर वो कहीं नहीं जाते अच्छा तो तो अभिमान बहुत बुरी चीज़ है हमें भी नहीं पता लगता कि हमें अभिमान हुआ है पर वो ऐसे सिग्नल संकेत दे देते वो संकेत हैं। देते हैं और संकेत उन्हीं को ही देते हैं जो उनको खींच चुके हैं ना जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप बहुत ज़्यादा पोजिटिव हो जाते हो उस इंसान के लिए और राधा रमन जी ही इज लाइक मोस्ट क्लेवर ठीक है बहुत चंट है और पोजेसिवनेस तो पी का कुछ भी नहीं है उनके सामने ठीक है जब वो किसी को ना देख लेते हैं ना तो मतलब वो उसका है किसी और का अधिकार नहीं होने देते माँ बाप का अधिकार नहीं होने देते जो पैदा करते हैं उनका अधिकार नहीं भाई बहन पति भी होगा अगर उस लड़की का उसको भी हटा देंगे सबको हटा देंगे तो ही इज एक्सट्रीमली उनको वो चाहिए वो कहते हैं कि तुम मुझे प्यार करो बस उनको लाड चाहिए वो कहते हैं कि तुम उनको क्यों कर रहे हो जी. मैं तुम्हारा हूं ना तो तुम उनको क्यों कर रहे हो ये तो अभी कुछ दिन के हैं चले जाएंगे जी. मैं तो तुम्हारा कितने जन्मों से हूँ और अब तुम्हें मैंने झुंझोड़ के याद दिलवाया है तो तुम तब भी उधर ही जा रही हो क्यों जा रही हो तो बस इसीलिए तो वो थाम लेते हैं अपने आप और हमें ना आंखें खोलनी चाहिए आंखें वैसे खोलनी नहीं चाहिए मन से आंखें खोल कर चलना चाहिए और हम लोगों को सोचते हैं किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं किसी को भी टोक देते हैं कि अरे क्या फंड कर रखे है इसने है ना माला जप रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं या कोई आदमी आ गया उसने कोई गलत हरकत कर दी हम उसको जज कर लेते हैं कि ही इज़ नॉट अ भक्त ही इज़ नॉट अ डिवोटी इनको नहीं पता है है ना लेकिन ये गलती कभी मत करना अंदर क्या हो? अंदर उस इंसान के क्या है ना और भगवान ही हूँ क्या पता वो जो गलती कर रहे हैं सामने आके आप का दिखा रहे हैं असली चरित्र कि तुम क्या हो फिर तुम कैसे देख सकते हो कि हर कण कण में हर इंसान में राधे रमण है कैसे देख सकते हो और वो नजर तो मेरे पास ही नहीं आई अभी तक सच में नहीं आई है और जिस दिन वो आ जाएगी ना तो वो अपने आप ही आ जाएंगे वो आ जाएंगे वो रुकेंगे नहीं नहीं मन एकदम साफ हो जाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं हो जाएगा जाएगा बिल्कुल अरे बच्चों बड़बड़ाते हुए ये ऐसी वो ऐसी वो ऐसी भगवान के सामने जाओ ये मत जाओ के अरे मैं तो बहुत शांत इंसान हूँ मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं उनके सामने आप जैसे जाओ वैसे जाओ, भी भी आप हो आप जाओ और वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे माँ होती है ना छोटा बच्चा आ गया उसने बाथरूम पॉटी कुछ भी कर दी पाओं वाओ धस गया उसका है ना तो माँ ये थोड़ी ना देखेगी कि पहले उसको साफ कर दो और फिर मैं उठाऊंगा नहीं उठाएंगी ना वो तुरंत उठा लेती जैसे किलकारी मारी बच्चे ने और माँ ऐसे बोलती है अरे 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 इधर इधरा उससे उसको रोना नहीं देखा जाता तो जो माँ है ना माँ में जो प्रेम है उसका कोटि कोटि गुना प्रेम श्री कृष्ण में है आप ये सोचो तो आप कैसे कैसे मतलब हम किन सब चीजों में खोए हुए हैं मैं ये नहीं कह रही कि अपने मम्मी पापा को धक्के मार दो अपने मम्मी पापा की बेसती करो उन्हें छोड़ दो उनके बुढ़ापे में छोड़ दो मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनकी सेवा करो अच्छे से करो लेकिन अपना मन उटकाकर मत रखो आप उनको आपको धमका रहे हैं आप रो रहे हो हाय मेरा ये हो गया हाय मुझे ऐसे बोल दिया मेरे साथ बहुत होता है राधा रमन की जो शक्ति है ना राधा रमन राधा रमन है तो वो राधा रानी की वजह से ही है क्योंकि उनके अंदर राधा है ना बस इसलिए रमन करते हैं इसलिए राधा रमन है बस राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं है वो तो सारा तत्व है वो सारी सुंदरता है जितने गुण हैं जितनी सारी चीजें हैं वो श्री राधा ही हैं और बस उनसे प्रेम कीजिए उन्हीं के लिए ही पैदा हुए हो आप कहीं आप सोच रहे हो हम तो पुण्य कमाएंगे हम तो आई ऑफिसर बनेंगे हम तो जज बनेंगे हम तो ये करेंगे हम तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाएंगे दुबई जाएंगे यूरोप जाएंगे भैया सब यहीं रह जाएगा कब समझ में आएगा सब यहीं रह जाएगा अच्छा आपने अपने भक्ति में आने से पूर्व ये जो आपको, जो आपको है आपकी वो पिछली जर्नी क्या है मतलब उसमें आपने भी कुछ पढ़ाई लिखाई की है आपने भी कुछ जॉब वगैरह किया है या हमेशा से इसी धुन का लगाव था जो ये माहौल है ना एक स्पिरिचुअलिटी हाँ। है हाँ। वो माहौल बचपन से ही रहा है अच्छा क्योंकि मेरी माँ है मैं उनको कह सकती हूँ कि वो शुद्ध भक्त है ठीक है वो उनको कह सकती हूँ मैं कि शुद्ध भक्त है क्योंकि वो मुझे मेरी निंदा भी बहुत ज्यादा करती है नहीं तो माँ अपनी बेटियों की बड़ी बड़ाइयाँ करती है हमारी बेटी तो ये हमारी बेटी तो ये वो एक भी गुण नहीं बताएंगे आपको मेरा वो सारी कमियाँ बताएंगी तो मैं जितना आगे बढ़ी हूँ ना जहाँ तक आई हूँ मैं वो सब उन्हीं की कृपा है शुरुआत में मैं बहुत सोचती थी कि अरे यार मेरा तो मतलब मन बहुत वो है ना राधा मन जी की तरफ है ये वो समझ नहीं रही है समझ नहीं रही है खुद तो भक्त है मुझे नहीं समझ रही है मुझे नहीं समझ रही है लेकिन धीरे 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 वो सारी नेगेटिविटी वो सारी चीजें दूर कर दी उन्होंने बोला कि जो मतलब तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास रह रही हैं वही तुम्हें मेरे तक लेकर आएंगे उन्हीं का ही हाथ है जो स्पिरिचुअलिटी श्री कृष्ण कौन है शिव जी कौन है भगवान कौन है सब उन्होंने ही तो बताया है क्योंकि उनके साइड की फैमिली सभी स्पिरिचुअल है सभी भगवत प्राप्त लोग हैं सभी को दर्शन हुए हुए हैं बस एक मैं ही रह गई हूँ मुझे तो लगता नहीं है हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है नहीं। पर हाँ मतलब आपके जो आशीर्वाद होगा तो ज़रूर होगा इतना मुझे विश्वास है पर ठीक है जैसे जर्नी थी पहले फिर उसके बाद जैसे सब पेरेंट्स बोलते हैं कि आप पढ़ो ग्रेजुएशन करो तो मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया हाँ जी तो काफ़ी साल काम किया है चार पाँच साल आर्किटेक्चर में काम किया उसके बाद मैंने ड्रॉप करके फिल चेंज कर दिया इसका भी बहुत रीज़न है अच्छा सब बोलते हैं तुम्हें क्या बनना है तुम्हें क्या बनना है, है है ना एक कंपटीशन होता है आ, गली के बच्चों में कंपटीशन होता है भाई बहनों में कंपटीशन होता है अपने भाई को देखो उसका पैकेज इतना है अपने भाई को देखो ये है वो तो उस धुन के अंदर मैं चलती रही मैं बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट करके चलती रही कि मुझे चलो ठीक है बी में चले जाते हैं के में चले जाते हैं

रमन जी खुद आ जाते हैं और जब गारे होते हैं तो है ना वैसा ये एक्चुअल बात है पता है आप किसी भी जो राग है ना राग और हाँ। ये सब तो राधा रानी टॉप पे हैं। हाँ। उसके जी है उसके बाद कृष्ण भगवान है तो जब भी कोई संगीत की जगह आती है अब लोग क्या करते हैं कृष्ण भगवान के सामने जाके कृष्ण नाम ही सुनाते हैं राधा रानी के उसमें जाएंगे तो राधा रानी का कीर्तन कर भैया क्या कर रहे हो किसी से जब प्यार करते हो ना तो ऑपोजिट के बारे में बताना चाहिए है ना अब जैसे मेरे राधा रमण है अब आप मुझे गलती से भी नुक्कड़ में भी छेड़ दोगे ना राधा रमण जी के बारे में तो मैं बस शुरू होंगी तो मैं खत्म नहीं हो पाऊंगी है ना तो ऐसे ही राधा कृष्ण है एक दूसरे से प्रेम है तो एक ही ना एक ही है लेकिन वो खुद लालची है उनको प्रेम चाहिए ना तो अंदर से स्वरूप निकल के बाहर आ गया राधा रानी का तो उनसे प्रेम मिल रहा है उनको है तो दोनों एक ही तो वो खुद विराजमान हो जाते हैं हमारी इतनी औकात नहीं है नहीं। लोग बोलते हैं बहुत बड़े बड़े संत भी बोलते हैं मेरा ये ऐसा भाव है बहुत बड़े बड़े संत बोलते हैं कि आ, मतलब उनको ऐसा दिया और भगवान बहुत कृपा करते हैं भगवान बहुत कृपा करते हैं बेटा भगवान जब कृपा करेंगे ना तो तुम रोगे कि ये कृपा ले लो हमें नहीं चाहिए ये कृपा ले लो विनोद बाबा बोलते हैं ये चीज कृपा का मतलब होता है बेटा जो आपकी इतनी इतनी बाइकें खड़ी हैं गाड़ियां खड़ी हैं गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, है ना एश कर रहे हो क्लब में जा रहे हो पार्टीज कर रहे हो वीजा लगवा रखा है कर रखा सब छूट जाएगा जीरो आप पैसे हो जाओगे कि सड़क पे मांगने वाले से भी बदतर हालत हो जाएगी आपकी ये होती है कृपा उनकी जिसको पता होगा ना जी, कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंस किस चीज की है हम बोलते हैं ना कि यार महंगी से महंगी चीज लो ये करो वह करो अरे यार बनाने वाले ने जो चीज बनाई है तुम ये देखो ना उसके लिए ऐसे है चुटकी भी मैं बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ चुटकी में तो टाइम लगता है और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा जी, जी, जी. <laughs> बिल्कुल जिसमें लगता ही नहीं ना, ना कल कुशन जो भी है वो हमारे पूज्य संतों को बाबाओं को पता होगा वो मुझे नहीं पता वो समझ जाएंगे ना तो उस में में वो चीज चीज कर देते हैं हम किस चीज़ में खोए हुए मुझे तो ये नहीं समझ में आता क्यों खोए हुए हैं किसी को बोलो ना तो लोग के तेरे ज्ञान देते हैं ज्ञान देते हैं अरे ये ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि धक्के खा रखे हैं हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो फिर हम अपना ही पागल बनवाते हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं है बस नहीं नहीं सर वो प्रयास तो जारी रखना चाहिए बहुत जरूरी है वो और इसी प्रयास से कहीं ना कहीं हम सब जुड़ते हैं बिल्कुल तो वो प्रयास रखना चाहिए अच्छा आप चार चार घंटे गा लेती हैं तो प्यास नहीं लगती थकान नहीं होती पता नहीं मैं जब भी वृंदावन आती हूँ तो मैं बीमार होकर जाती हूँ मुझे नहीं पता और सुबह से कुछ खाया है आज सुबह से मैंने आधी पूरी खाई है आधी और कल एकादशी व्रत रखे थे आज आधी पूरी खाई है अच्छा कल परिक्रमा भी की थी तो मतलब ये सब चीज़ें ना सारी है पता नहीं क्या होता है ये ना मतलब ये वो लोग समझ सकते हैं जो मतलब वो है ना मतलब भगवान उनको पता है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और जो आप किससे प्यार करते हो ना आपको पता होता है सीधी सी बात है आपको ना भूख लगती ना प्यार सकती कुछ नहीं लगता है ना और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है मेरे घर वाले बोलते हैं अरे वृंदावन में खाने को नहीं मिलता क्या तू तो सोती नहीं है क्या अरे ध्यान रख लिया अगर अपना ये है वो जब भी जाती है बीमार होकर आती है मुझे ऐसा लगता है कि राधा ना बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर आप क्या करते हो आप जन्म कब लेते हो जब आपके पाप खत्म नहीं होते जी। आपका जो भोग भोगते हो आप प्रारब्ध होता है अगर आप इस जन्म में पूरे प्रारब्ध भोग गए ना आपका अगला जन्म नहीं होगा और जैसे हम बीमार हो गए बहुत ज्यादा हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं दो ये भगवान मुझे ठीक कर दे और वो तो बैठे ही इसलिए वो तो तुरंत ठीक कर देंगे आपको है ना लेकिन नहीं वो आपका जो प्रारब्ध है ना वो आप भुगतान करो कष्ट को सहो आपको नहीं पता कि आपको कौन सा बड़ा कष्ट आपका वो हो रहा है मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं तंग हो जाते हैं मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ ये हो गया अरे भैया आपका प्रारब्ध निकलवा रहे हैं आप खुश हो जाओ जितना ज्यादा कष्ट होगा ना उतना आप आगे जा रहे हो सच में कह रही हूँ मैं भगवान के जितने भक्त हुए हैं ना मीरा बाईसा तो मेरी मतलब जान है मुझे ऐसा उनके बारे में कुछ कही है ना मीरा बाईसा जैसी तो ना कोई थी ना है ना कोई होगी मीरा बाईसा तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई रिश्ता है क्योंकि राधा रमन जी हैं भाव भी उनका वही है मेरा तो भाव कहीं है ही नहीं उनके सामने बट हाँ उनको मैं एक आइडल के तौर पर मानती हूँ अपना है ना कि जिंदगी में किसी से कुछ सीखने को मिला है तो उनसे सीखने को मिला है उनकी भक्ति क्योंकि यहाँ भी माँ बाप बोलते हैं शादी कर लो शादी कर लो है ना तो मैं बोलती हूँ मैं तो मीराबाई जी जैसी नहीं ना मुझे कोई भोजराज मिलने वाला है ना तो क्या होगा आगे मीराबाई जी, मीरा जी की जिंदगी में इतने कष्ट आए इतने इतनी सुंदर थी ना वो जितनी लड़कियां बैठी हैं सब कुछ शाउट आउट दे रही हूँ इतनी सुंदर थी ना कि मैं बता नहीं सकती मैंने देखा नहीं है उनको पर महसूस कर सकती हूँ इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उन्होंने इतने कष्ट सहे है ना इतनी सुंदर मीरा वाइसा के ऊपर इतने कष्ट डाले लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देते थे लोग अरे तो ये है तो साधु संतों के बीच में नाचती है राजपूत खानदान है जैसे मैं भी उसमें ही हूँ राजपूत ही हूँ पर मैं इसको कास्टिज्म या अपना वो नहीं बता रही हूँ मैं बता इस ले रही हूँ आप को रिलेट कर पाओ तो हमारे परिवार में थोड़ा ध्यान रखा जाता है मर्यादा का ध्यान रखा जाता है और मीरा भाई जी थी तो प्रेम में कोई मर्यादा तो होती नहीं है माँ ने बचपन में ही बोल दिया ये तेरा पति है अब बचपन में जो चीज़ बता और बचपन में ना ये चीज़ गाढ़ी हो जाती है इसलिए माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों को बचपन में संस्कार दो जी बच्चों को संस्कार दो क्यों बोलते हैं क्योंकि बचपन में आपको जो बात बोल दी गई ना वो बच्चा गांठ बांध लेता है समझ रहे हो आप इसीलिए इसे और वो तो उनकी माँ ने तो मजाक में कहा था और वो सच हो गया और उन्होंने तो गांठ बांध ली कि तो यही पति हैं मेरी यही पति हैं और तो जिद पकड़ ली उन्होंने तो हमें भी ऐसी ही जिद पकड़नी है हमें अरे झूठे से शुरू कर लो यार लोग क्या कहेंगे फंड कर रहे हो दिखावा कर रहे हो क्या जा रहा है वैसे भी वो तो तुम्हारे घर वाले गालियाँ देते हैं थोड़ी और दे लेंगे दिखावा करो शो ऑफ कर लो लोग कहते तुलसी की माला पहन के अब मेरे गले में ना तीन चार मालाएं हैं ठीक है आई होप मेरी माँ ये देखें ठीक है तो तीन चार मालाएं हैं अब कई बार क्या होता है किसी के घर जाओ ना तो वो बोलते हैं अरे इतनी सारी क्या मालाएं डाल रखी हैं गले में क्यों डाल रखी है इतनी सारी मालाएं है ना कभी कभार हम लोगों ने रिश्ते भी देखे माँ बाप के लिए करना पड़ता है तो रिश्ते देखे तो लड़के बोलते हैं कि यार आप तो साधु संत बन जाओगे घर छोड़ जाओगे आगे हमारा यार आपने माला से जज कर लिया हाँ। है तुलसी ये तो पट्टा है जी, जी, कि हम उनके हैं है ना मंगल सूत्र तो भी गले में मेरे आया नहीं है तो मेरे लिए तो मंगल सूत्र ही है ना ये तो मैं कैसे उतार दू है ना और किसी को अगर शादी करनी भी है एज अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से और हम इंसान हैं तो हमें इंसान की तरह कर्म करने होंगे हर कोई सोचे यार हम तो शादी नहीं करेंगे आगे आप भटक गए तो क्या करोगे अभी तो आपने माँ बाप को कह रहे हो हम शादी नहीं करेंगे हम तो संन्यास लेंगे हम तो वृंदावन की गलियों में राधिका राधिका करते घूमेंगे और आगे कल को भटक जाओगे फिर क्या करोगे जी। फिर तो आपके चरित्र की धजियाँ उड़ गई बेटा उससे पहले शादी कर लेते है ना तो आपको वो सुख भी मिल जाता जिस चीज के लिए आप भाग रहे थे और इतने सालों के बाद गिर गए तो पहले भुगत ले और उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको जो भी पाथ था आप मिल जाता जी। तो वही सब चीजें है तो मीरा बाई को फॉलो करो भाई सबसे अच्छी आइडल है वो हाँ। और वो अभी भी सुन रही होंगी पता जी। वो एक्चुअल में सुन रही होंगी अभी खड़ी होके कौ, कौन आ गई <laughs> जब बातें कर रही है तो मेरा कहने का मतलब ये था नक्शल में कि कष्ट आते हैं लाइफ में तो उसको बहुत मुस्कुरा कर सहन करना चाहिए मैं भी ऐसी थी मैं भी बहुत चिड़चिड़ हो जाती थी मैं बोलती थी कि क्या हो रहा है ये है वो है मैं ऐसी नहीं हूँ मुझे क्यों बोलते हैं ऐसे वो बहुत कृपा है बहुत बड़ी कृपा है जितने जूते पड़ेंगे ना उतने अच्छे से साफ हो जाओगे ये जो घमंड एटीट्यूड मैं 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 ये मैं वो मुझसे पूछते थे ना कि आपका पूरा नाम क्या था मैं बोलती निशा चौहान बड़े एटीट्यूड से बोलती थी क्योंकि राजपूत क्षत्रिय क्षत्रियू आप कोई पूछता है ना तो मैं बोलती हूँ मैं कोई नहीं हूँ hmm. वो सब चीजें ना धो दी पकड़ के hmm. मुझे लगा कि क्या मैं अपने आप को बताती हूँ से से हमारी हम एक्चुअल में आए क्यों हैं? मैं ये बताने hmm. के लिए आई हूँ hmm. या मेरा परिवार इतना बड़ा है जी. नहीं भाई उन्हीं के लिए ही आए हैं हम एक्चुअल में उन्हीं के लिए आए हैं किसी के पास क्वेश्चन हो तो मेरे पास आओ मैं बताऊंगी मेरे पास ज्ञान नहीं है लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे बता सकती हूँ मैं आप उनसे ले लगाओ जी बस उन्हीं के चरणों में जाओ और कष्ट देते हैं लेकिन जब देखो आप किससे प्यार करते हो ना थोड़ा बहुत खींच के रखना पड़ता है माँ होती है खींच के रखती है बेटी को बिगड़ ना जाए है ना हमें तो बड़ा बुरा लगता है माँ क्यों टोकरी है हमारे भले के लिए टोकरी है हमें बाद में पता लगता है है ना वैसे ही भगवान है राधा रमण है तो वो भी मर्यादा में रखते हैं जी। और साथ के साथ अब जैसे माँ ने हमें पूरे मर्यादा में रखा सब चीजें की है ना उसके बाद धीरे 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 हमें ऐसी चीजें प्राप्त होंगी ना आगे सोच भी नहीं सकते उनकी कृपा से अच्छा ये बताइए बहुत बहुत आनंद आया आज आपसे <laughs> बात करके और स्पेशली बिकॉज एक युवा व्यक्ति एक, एक युवती में इतना प्रेम है ठाकुर जी के प्रति श्री जी के प्रति जो भाव है वो देख के इतना अच्छा लगा आजकल ये ये बहुत होता है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है आ, उन्हें एक तो ये नहीं पता कि भक्ति में जाना भी है कब जाना है क्या मैं पूरी अपने आई जिंदगी को करियर में हाँ चीज़ें बटोरूं कब जाऊं और जाऊं या नहीं जाऊं तो और अगर जाऊं तो क्या सब कुछ छोड़ दूं और फिर जाऊं ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो युवाओं को के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये इस मुद्दे को हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा ये एक, एक प्रसाद हो जाएगा सबके लिए क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है कि हम युवाओं के लिए अगर हमने कुछ जिया है तो उनके साथ कुछ शेयर करें दिल्कुण। तो इस पे कुछ बताइए जो आपका भाव है जो आपका थॉट है इस पूरे मुद्दे पे इस पे कुछ बताइए मेरे हिसाब से ना भक्ति यही है जवाब मिल गया आपको भक्ति यही है कि अपना से ज्यादा दूसरे को देना। अच्छा। ये भक्ति का आपका आंसर है और जो आप पूछ रहे हो देखो मैं भी आ, उसी जनरेशन से ही हूँ है ना अभी दी, दी. हमने करियर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की तो जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कि आ, क्योंकि आस पड़ोस में कंपटीशन बहुत है स्कूल में कंपटीशन बहुत है दी, दी, और पढ़ाई पढ़ाई नहीं स्पोर्ट्स सारी चीज़ों में तो पजल हो जाते हैं बच्चे कि क्या करें लेकिन हमारे साधु संत बोलते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है ठीक है पर पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी संस्कार है तो सबसे पहले तो मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जी। क्योंकि इसके पीछे ना माँ बाप का बड़ा हाथ है बच्चों के संस्कार होंगे उनके पुराने जन्म के होंगे भैया वो अपना कर लेंगे लेकिन आप किस ले, आपको क्यों भेजा है है ना माँ बाप को भी बड़ा गर्व होता है सॉरी अंकल आंटी सभी माँ बापों को उनको बड़ा घमंड होता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है जी। पैदा किया तो आप उसका फर्ज निभाओ सिर्फ पैसा कमाना ये सब चीजें फर्ज नहीं होती हैं राइट इससे ज्यादा आपको भगवान से मिलवाओ ना आपके जो सुपीरियर हैं आपको भी तो उन्हीं से मिलना है आप मिल लोगे लेकिन वो बच्चे कहाँ गए वो क्या अपना करियर ही बनाते रहेंगे पैसे कमाते रहेंगे जी। तो उनको सबसे पहले उनकी लॉ लगा दो उनको राधा रमन से मिलवा दो ठीक है ना सेकंड पॉइंट तो इन्होंने बोला कि आ, क्या करना चाहिए क्या इसका प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली exactly, है ना प्रोसीजर ये है आप जो भी आपको एजुकेशन मिली है फैसिलिटीज मिली हैं वो आपका भाग्य बहुत अच्छा है है ना सब कुछ मिला है उसका अच्छे से यूटिलाइज uh, करो उसको है ना पढ़ो लिखो अपने माँ बाप की सेवा करो सभी के अंदर राधा रमन जी हैं सभी के अंदर भगवान है, है ना लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली exactly वही चाहिए है ना जो एक्चुअल में हमारे राधा रमन है जी। इनको थोड़ा ना राधा रमन खींच के आपसे मैं शादी कर लूंगी है ना आएंगे तो भाई है ना तो वो अपना फोकस रखो आप ऐसे रहो जैसे आप एक पीजी में रहते हो ना आपके रूममेट्स रहते हैं जी। आपको अपने काम पे जाना है आना है हाय हेलो करनी है बात करनी है लेकिन आपकी कोई अटैचमेंट थोड़ी ना उनसे है है ना ना मिनट डिस्कस कर लेते हो हो आप आप फिर चले जाते है ना? तो घर वालों के साथ भी ऐसे करो ऐसा भी मत करो कि उनके साथ आप रफ बिहेवियर करो जी। उन्होंने आपके लिए बहुत किया है आप उनके पांव धो धोकर भी करोगे तो आप उनको उतार नहीं पाओगे है ना अपना मन मत जोड़ो मन हमारा कृष्णमय राधामय हो बस उनके साथ जोड़ो उनकी तरफ लगाओ पेरेंट्स को बहुत बहुत प्रेशराइज मत करना अपने बच्चों को उनको बताओ कि हम क्यों कर रहे हैं और उनका हाथ लेकर राधा रमन जी के हाथ में दे दो और आप पढ़ो लिखो खूब पैसे कमाओ खूब पैसे कमाओ पैसे बहुत है ना मंदिर वाले वृंदावन में इतने मंदिर हैं हमारे पूरे देश में इतने मंदिर है मोदी जी का मुझे नहीं पता कब करेंगे क्या करेंगे फिर भी कर रहे हैं काशी विश्वनाथ का उन्होंने बनवाया तो जितने मंदिर है ना वो खंडित हो चुके हैं किसी की दीवारें गिर रही हैं किसी के अंदर कोई चीज़ हो गई है उसको कौन स्पॉन्सर करेगा हमारी जनरेशन ही तो स्पॉन्सर करेगी ना बिकॉज हम एक्टिव हैं सुपर एक्टिव हैं हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे ऊपर लगा दिया तो हम किसके ऊपर लगाएंगे हमें उनके ऊपर लगाना है तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और यही भक्ति है और सबकी अच्छी आदतें लो बुरी आदतें नहीं और दोष दिख भी रहे हैं ना छोटा बच्चा होता है काला टीका लगा देती है ना माँ तो नज़र नहीं लगती किसी संत में ये उस जनरेशन के लिए बोल रही हूँ जो टीवी पे चिपक कर लोगों के बारे में गलत बोलते हैं कि ये संत ऐसे हैं वो संत ऐसे हैं उसने ये कर दिया वो कर दिया अगर वो चीज़ें आपको दिख रही हैं ना तो आप भगवान से दूर जा रहे हो और वो जो दोष और अवगुण उनके अंदर दिख रहे हैं ना वो उनकी पकड़ है भगवान अपने प्यारों को सामने नहीं लाते उनका भाव नहीं तो शून्य हो जाता है वो उनको पकड़ कर रखते हैं इसलिए लोगों के सामने उनको दिखाते नहीं है इसलिए तो हमारे इतने प्यारे प्यारे संत छुपे हुए हैं आते नहीं सामने कोड़ी बनकर घूमते हैं लटक लटक कर घूम रहे हैं भीख नहीं मांगते लेकिन वो ये तो उनकी पहचान है अपने शांति से जाते चुपचाप जाते कॉर्नर पकड़ते पूजा करते हैं जी आपने कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं अभी एक आखिरी बात आपसे पूछनी है गौ सेवा के बारे में क्या कहना चाहेंगी क्योंकि आ, हम हम कई बार करते भी हैं स्पेशली जब धाम में जाएं तब करते भी हैं बट कई बार नहीं भी कर पाते हैं है ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं भी कर पाते हैं। और कई बार सिर्फ इस थॉट से करते हैं कि हाँ मुझे ब्याह तो नहीं हो रहा तो उन्होंने है ना एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि भैया तुम गोसेवा करो गुड़ और चना उनको मिला के हर बुधवार खिलाइयो तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा अच्छा तुम तुम ये कर लो तुम घास खिलाओ हरे वाली तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी मरने से पहले गौदान कर दो स्वर्ग हाँ, दोबारा जन्म तो, नहीं लेना पड़ेगा तो क्या ये गौ सेवा है या क्या जैसे आपने भक्ति को भी बहुत सिंपल वे में कुछ बता दिया हमें ना कि हर बंदा हर रोज अपने जीवन में कैसे भक्ति को उतार सकता है तो वैसे ही गौ सेवा के बारे में क्या थॉट है आपका वो थोड़ा बताइए गौ कैसे करनी चाहिए जैसे अभी भगवान की बात चल रही है तो उनका नाम गोपाल भी है गोविंद भी है है ना तो हमारे राधा रमन जो आप एक बात बताओ पहले तो माँ बाप आ गए फ्लो चार्ट समझो पहले आगे माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है ना उसके बाद आगे हमारे भगवान भगवान ने सारी सृष्टि रची उनसे भी ऊपर आ गई गौ माता अच्छा कैसे आ गई गोलोक 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 भी आ गया और गोलोक किससे गौ माता से तो है है ना गौ माता दे, से दे, ही दे, तो दे, है दे, तो गौ माता सबसे ऊपर है इतनी ऊपर है इतनी ऊपर है लोगों को नहीं पता लोग सोचते हैं ये तो जैसे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं वैसे ये गौ है ये भैंस है <laughs> किसी को कुछ खिला दो किसी को गला सड़ा खिला देते हैं लोग हु, तो गौ माता में तैतीस कोटी देवी देवता है और ये बिल्कुल सच है ये मैंने एक्सपीरियंस किया है आप गौ माता के पास जाओगे हमारे घर रोज आती हैं राधा रोहन की कृपा से देसी गायें आती हैं देखो अब इस पे भी डिबेट छिड़ेगी कि जैसे गौ है ठीक है तो जिनके उसपे वो होता हम, है ना कव होता है हम्प होता है खंप होता है तो वो देसी गायें होती है ठीक है और जो फ्लैट होती है वो हाइब्रिड होती है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आधरा जी नहीं है और इसके अंदर आधा जी है तो सबसे पहले ये चीज अपने मन में मत लाइएगा ठीक है लेकिन देसी गायें ये पूजनीय है भगवान की हाइब्रिड मतलब क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल वे में हमने अपनी अकल लगाई अकल लड़ाई उसमें हमने दिमाग मिलावट डाल दी है मैनिपुलेट मैनिपुलेट किया Manipulate कर दिया गौ माता तो बिल्कुल शुद्ध है हाँ। है ना और आपने क्वेश्चन किया कि रोजमर्रा की की लाइफ में सेवा नहीं की जा सकती है ना तो मैं भी कोई रोज सेवा नहीं करती वो तो राधा रोहन की कृपा है मेरी माँ के पाँव पड़े हैं हमारे घर में उनकी वजह से हमारी गौ माता रोज आ जाती है रोज खा पी के चली जाती हैं है ना खूब उनको खिला लेते हैं पिला लेते हैं लेकिन जिनके घर में सोसाइटीज हैं नोएडा गुड़गांव ऑल ओवर वाइड वहां पे नहीं आ जाते है ना जी। तो उनको जाके अगर टाइम हो आपके पास हफ्ते में सैटरडे संडे वीकेंड फ्री होता है है ना बीपीओस वालों का डे ऑफ होता है आप डे ऑफ पे जा सकते हो अपने फ्रेंड्स को एक बार जाकर देखो जी देखो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या सुख है लोग क्यों बोलते हैं आपको जी, जी, आप सिर्फ एक बार टेस्ट करो शक लेकर जाओ दिमाग गौशाला में गौशाला में जाओ एक बार वहां जाके देखो आप उनको खिलाओ ठीक है घास खिलाओ रोटी है अपने घर से रोटी बनाकर ले जाओ पहले तो ये टेस्ट करो और फिर उसके बाद बताना कि कैसा फील हुआ अगर नॉर्मल फील हुआ ठीक है तो इसका मतलब बड़ी देरी है अभी आप बहुत पीछे हो ठीक है ना अगर आपको तुरंत ऐसी वाइब आ गई कि मतलब बहुत सुकून मिला बहुत अच्छा लगा है ना तो धीरे 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 मतलब गौ माता ने वो वैसे तो वो एक्सेप्ट कर ही रही है सबका खिलाया हुआ लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई है आपके ऊपर पड़ गई है और मैं ये नहीं कह रही रोज गौशाला जाओ इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है अब इतनी सारी गौशालाएं हैं अब ये लंपी का चल रहा था है ना कितनी जी, सारी मुझे पता नहीं था यार मैंने एक बार इंटरनेट खोला और मेरे को चक्कर आ गए लाख से ज्यादा गौ अगर गौवंश मिट गया तो सनातन धर्म मिट जाएगा जी, जी क्या जी, होगा प्रलय ऐसे ही तो बोलते हैं ये वेदों में और इनमें ये यही प्रलय होती है कोविड तो बिल्कुल हल्का सा झटका था ये तो कुछ भी नहीं है गौ माता चली गई तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा फिर तो हमें गौ माता की रक्षा करनी है तो उनका ध्यान रखो। अभी फिलहाल एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है गौशाला में जाए फिजिकली कोशिश करो हेल्प करने की ग्लव्स लगा लो अगर आपको लगता है कि चीज फैलती है अगर आपको मेंटली सुकून नहीं मिल रहा यो नॉट सेटिस्फाइड जाओ हाथों से कंसल्ट करो डॉक्टर से क्या दवाई है क्या है खुद करो, कोशिश करो. यार जो खुद से करने में सुख है ना वो दूसरे को पैसे तो हर कोई दुनिया दे रही है लोगों के अकाउंट भरे पड़े हैं कितनी गौशाले भाग भागवत कर रहे हैं लोग हर किसी भागवत चैनल उठाकर देख लो जी हमारी गौशाला है इसमें दान करे जहाँ बैठे हैं वहीं करें ठीक अच्छा, है एक और बात बताइए देखिए ब्रज में आज भी कई बार देखते हैं कि ऐसी ऐसी ऐसे नंदी घूम रहे हैं जिनका कोई घर बार नहीं, नहीं है हाँ भूखे रहते हैं है ना कई होते हैं जिनको चोट लगी होती है बिकॉज कई बार जो ये गाड़ियां आती हैं हम हम हैं। हाँ वो हिट कर देती हैं और फिर उनके पास समय नहीं होता कि वो अपनी यात्रा पे हैं उनके पास समय नहीं तो जब लोग ब्रज आते हैं तब गो गो माता के लिए क्या भाव होना चाहिए उनका जब ब्रज में भी आते हैं तब क्या भाव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे भी गो माता का रक्षण पूरी तरह से शायद नहीं हो पा रहा है और इनके इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं जो हम उन्हें कूड़ा खिलाते हैं और जिस तरह से अभी मतलब इस इन थोड़े से में मेरी भी दृष्टि पड़ी है इतनी गौ माताओं पे जो आ, बहुत बुरी हालत थी उनकी मतलब किसी को ऐसी ऐसी जगह पे चोट लगी है कि आप सोच रहे हैं हम इनका क्या किस तरह से हम इनकी सेवा कर सकते हैं बिल्कुल तो हमारा भाव क्या होना चाहिए जब हम ब्रज में आए गौ माता के पति बहुत ही आ, बहुत ही डीप क्वेश्चन कर लिया आपने अब मुझे इसमें भी पेरेंट्स ही याद आ रहे हैं मेरे ठीक है जी अब मम्मी पापा हैं जब तक जवान थे पापा ऑफिस जाते थे सैलरी क्रेडिट होती थी कॉलेज में जाते थे सब कुछ चल रहा था काम अब वो रिटायर्ड है तो उनको रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं ठीक है तो अब उससे सर्वाइवल हो रहा है जो भी है ठीक है हमें पढ़ा लिखा दिखाया है क्योंकि रिटायरमेंट है कितना चलेगा आप पढ़े लिखोगे तो अपना सर्वाइव कर लोगे माँ बाप अपना कर लेंगे वो आपके ऊपर बोझ नहीं है ठीक है अब इमेजिन करो कि हम जैसे लोग भी जो पढ़े लिखे हैं कपड़े पहनते हैं एकदम आ, बिहेवियर वाइज हम अच्छे हैं पढ़ी लिखी फैमिली से हम अपने माँ बाप को बोझ मानते हैं और अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्थिति गऊ माता की है गौ माता भी माँ बाप है लोगों के घर में जब आप पूरा निचोड़ लेते हो उनको दूध घी वो किसी लायक नहीं रहती हैं आप उनको घर से बाहर निकाल देते हो जैसे आप अपने माँ बाप को जब आपका काम पूरा हो जाता है आप उनको धक्के मार देते हो बिल्कुल सेम चीज गौ माता के साथ है तो आप जब ब्रज में आओ और आप ब्रज के अलावा आप कहीं भी जाओ आप सेम भाव लेकर जाया करो कि ये किसी के माँ बाप है जो घर से निकाल दिए गए हैं यार जब वो भाव आपके अंदर आएगा ना तो आप रुक रुक कर रुक रुक कर ना गले लगा लगा कर जाओगे ठीक है क्योंकि हर हम कहते नहीं है पर हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं कहीं ना कहीं मोह ही लगा लो यार मोह तो है ना तो वो चीज़ें हैं तो आप वही भाव अगर अंदर लेकर आओगे ना यार तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते आप एक गाय को इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो भाव आपके अंदर बैठ गया तो और यार अपने आप सेवा हो जाएगी इसे ही भक्ति बोलते हैं यहीं से सेवा हो जाएगी आपको ना गौ माता में ही राधा रमन जी मिल जाएंगे आप क्या बात कर रहे हो यहाँ इतनी दूर तक आने की जरूरत ही नहीं है सच में बस यही करो आप अपने माँ बाप की तरह सोच कर आओ कि ये वो माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया जब भी किसी काम के नहीं रहे तो आप ये सोचो कि जब आपके माँ बाप को निकाल दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा आपकी भाभी निकाल दें आपकी बहन निकाल दें कैसा लगेगा आपको तो वही सेम भाव उनके लिए रखो कोई डिफरेंस नहीं है बहुत सुंदर बहुत 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 सुंदर आई थिंक इस सारी कॉन्वर्सेशन में जो मंथन हुआ है ना विचारों का भावों का वो बहुत सुंदर हुआ है और गोमाता का के बारे में चर्चा करके तो वो शायद एक दूसरे क्रम पर ही पहुंच गया है और हम हम इस मुलाकात से पहले बात कर रहे थे कि वो एक चरम पे पहुंचे है ना आपने कहा था मुझे अब लग रहा है कि गोमाता के आशीर्वाद से उनकी बारे में बस चर्चा करके वो उस चरम पर पहुँचा है अब अगर कर सकें तो दो लाइन अपने गा लीजिए कभी भी और माइक पकड़ के गाना चाहे तो पकड़ के नहीं, नहीं। तो मैं... बुलंद आवाज चल जाएगा काम तो। <laughs> आपको माइक की जरूरत नहीं है इतनी बुलंद और रमन जी हमेशा आपकी आवाज को इसी तरह बुलंद रखें और अंदर से मक्खन रखें और आवाज में वही बुलंदगी रखें क्योंकि हमें बहुत जरूरत है ऐसे भक्तों की जो सनातन धर्म के बारे में बोलने में डरे ना और अंदर उनके भाव ऐसा हो कि वो चींटी को भी मतलब दुख ना पहुंचा सके पर बाहर ऐसे हों कि भाई हम सनातन धर्म के पूरे पूरी बात कर सकते हैं ना तो नारियल की तरह बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नारियल पाइन जो <laughs> बोल भैया सब जी श्री राधा रमन लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी बनवारी मीरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री राधा रम लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय श्री वृंदावन धाम की श्री ब्रजरज महारानी की श्री यमुने रसरानी की श्री वृंदावनेश्वरी महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की श्री गिरिराज धरन की सभी संतन की सभी भक्तन की सभी विप्रन की सभी धर्म ग्रंथों की सभी तीर्थों की तैतीस कोटि देवी देवताओं की शठ गोस्वामियों की भागवत महापुराण की श्री रामचरित मानस की भा, महाभारत की श्रीमद् भागवत गीता की सभी वेदों की सभी पुराणों की जय। और कोई रह गए हो तो सभी की जय। सभी जीव जंतुओं के हृदया हमारी युगल सरकार बैठी है उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें सेवन ट्रिपल सिक्स एट थ्री नाइन एट थ्री नाइन